अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ऐसी कंपनी बनाई है और कंपनी का सेल टैक्स नंबर आपने लेना है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर आपने सिंगल मेंबर कंपनी बनाई है तो सिंगल मेंबर कंपनी के लिए लाजमी है कि सिंगल मेंबर कंपनी का जो डायरेक्टर है वो प्रेजेंट होगा और वो सेल टैक्स नंबर बनवाएगा। ठीक है, उसके लिए टैक्स ऑफिस जाएगा और वहाँ से जाके अपने आप रजिस्टर कराएगा। इसके लिए सबसे, क्योंकि बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड है तो बायोमेट्रिक कोई दूसरा बंदा आपके यहाँ पे कर नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। पिक्चर रिक्वायर्ड है, पिक्चर आपकी उधर ही खींचती है, सो स्नैपशॉट लेते हैं, सो वहाँ ही आपका होना लाजमी है डायरेक्टर का। सो ये पहली होगी, फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है, और मतलब ये ऑनलाइन नहीं होता, फिजिकली आपको जाना पड़ता है, वहाँ फिजिकली होता है। तो पहली रिक्वायरमेंट ये होगी। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सिंगल मेमोरी कंपनी तो वही बंदा जाएगा तो अथॉरिटी लेटर नहीं चाहिए। ठीक है, जो सेकंड रिक्वायरमेंट वही शुरू हो जाती है कि रेंट एग्रीमेंट जो एंटीन के लिए चाहिए होता है, थर्ड आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और फोर्थ आपका लेटर हेड। रेंट एग्रीमेंट लाजमी नहीं है कि कंपनी के नाम पे हो, वो इंडिविजुअल डायरेक्टर के नाम पे भी होगा तो चलेगा। ठीक है, ये चार रिक्वायरमेंट होगी। पाँचवीं आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जो कंपनी के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म वन 21 और 29 होते थे, उसकी जगह एनेक्सर 4 आ गया, वो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपको चाहिए होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए और लैंडलॉर्ड के CNSE कॉपी लाजमी चाहिए और बैलेंस शीट चाहिए। और इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जो कुछ RTO रिक्वायर्ड करते हैं, वो STR1 फॉर्म है जो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। STR1 या हमारी साइट विजिट करें, डाउनलोड के सेक्शन में जाएं, STR1 फॉर्म वहाँ पे भी अपलोड हुआ है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं और फिज़िकली आपने जाना है। इसके लिए मैं नहीं समझता कि इसके लिए आपको कंसल्टेंट हायर करना है, या क्योंकि आपने फिज़िकली जाना है। सो आप फिज़िकली जाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे हार्ड कॉपी में, इसकी एक फ़ोटो कॉपी होगी ये इनको देंगे, और एक बैटरी ये कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके भी ले जाएं USB में, ताकि आपका स्कैनिंग का जो टाइम होता है वो वेस्ट ना हो, और उनको आप USB में स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी दे दें। सो ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, बायोमेट्रिक करवाएँ, पिक्चर करवाएँ, और GST के लिए अप्लीकेबल हो जाए, GST इशू करवाएँ। सो अगर इन केस आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सारे डायरेक्टर्स का जाना ज़रूरी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 4 डायरेक्टर्स हैं तो 3 डायरेक्टर्स एक डायरेक्टर को अथॉरिटी दे देंगे, और जो जिसको अथॉरिटी दी होगी वो जाके GST के लिए प्रेजेंट हो जाएगा और GST इशू करवा देगा। उसके लिए आपको एक जस्ट अथॉरिटी लेटर रिक्वायर्ड है। सो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है GST के लिए। GST के प्रोसेस क्या होते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कहाँ पे इश्यूज़ आते हैं, उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।